Assalamu alaikum jinaab. My name is Faisal. I am a plastic surgeon and I am in civil hospital in the plastic surgery department. I run my private practice by the name of Elegance Plastic Surgery located at Clifton. Let's talk about gynecomastia. We operate a lot of gynecomastia. Recently, we met a patient ने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीता है. बॉडी बिल्डर्स में भी ये बड़ा इशू होता है कि जो उनका ग्लैंड है जिसकी वजह से उनका चेस्ट प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो सकता. सो आज हम गायनेकोमेस्टिया के बारे में आपको बताएंगे कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, क्या प्रॉब्लम इससे हो सकती है, सर्जरी में क्या होता है और रिकवरी क्या होती है और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. सो जी, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, हालांकि मैंने हमारी बॉडी में मेल हार्मोन भी रखा है, फीमेल हार्मोन भी रखा है. मेल की बॉडी में फीमेल हार्मोन बहुत कम होता है प्यूबर्टी में. उसके इन्फ्लुएंस की वजह से 90% बच्चे जो कि प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं उनको ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, विच इज नेचुरल. अगले दो साल में 70% बच्चों का वो एनलार्जमेंट खत्म हो जाता है, बट 20% बच्चों का स्टिल परसिस्ट करता है. आमतौर पर लोग हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि जी बाकी सब सही है, टी शर्ट जब पहनते हैं उसमें बड़ा अजीब सा लगता है, स्विमिंग करने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है. सो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. पहली बात, ये गायनेकोमेस्टिया कोई बीमारी नहीं. दूसरी बात है, इसका आपकी फर्टिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. तीसरी बात, आप शादी के बाद नॉर्मल लाइफ, मैरिटल लाइफ गुजार सकते हैं. चौथी बात कि आपको आम लोगों के मुकाबले में ब्रेस्ट कैंसर का या ब्रेस्ट से रिलेटेड किसी भी बीमारी का रिस्क आप में ज्यादा नहीं है. वेल, प्लास्टिक सर्जरी की सारी सर्जरी की तरह गायनेकोमेस्टिया में जब आप आते हैं, आई नॉर्मली स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 AM. आई मार्क द एरिया जहाँ से मुझे फैसला कवर करना होता है. देन वी ब्रिंग यू टू आवर ऑपरेशन थिएटर. दिस इज आवर ऑपरेशन थिएटर. और फिर उसके बाद एनेस्थीसिया देते हैं और फिर हम आपके फैट को लैपोसक करते हैं. मैं आमतौर पर एक सिर्फ 4 mm का कट लगाता हूँ यहाँ पे और उससे फैट और ग्लैंड दोनों निकाल देता हूँ. 95% ऑफ द टाइम मुझे कामयाबी मिल जाती है, बट 5% टाइम ऐसा होता है ग्लैंड इतना टफ होता है कि मुझे छोटा सा एरोला के नीचे कट लगा के उस ग्लैंड को निकालना पड़ता है और फिर स्टिच लगा देते हैं. स्टिच 7 days पे हम निकाल देते हैं. जब आप बाहर आते हैं तो आप एक बेल्ट पहने हुए होते हैं, जो बेल्ट आपने 2 महीने तक पहनी है. शुरू के पहले महीने दिन में 20 घंटे और बाद वाले महीने दिन के टाइम आप पहनते हैं और रात के टाइम आप उतार देते हैं. हम आपको 4 घंटे अपने पास रखते हैं ताकि देख लें आपको कोई नौजिया वोमिटिंग तो नहीं है, आप एनेस्थीसिया से बाहर आ गए हैं, आपके ड्रेसिंग्स ड्राई हैं, आप इंडिपेंडेंटली वॉशरूम जा सकते हैं या नहीं. जो स्टिच मैंने लगाए हुए होते हैं जनाब, वो मैं निकाल देता हूँ 7th day पे. और गायनेकोमेस्टिया की रिकवरी बड़ी रैपिड है, इट्स पेनलेस थिंग. और नेक्स्ट डे से भी नॉर्मली अलाउ यू कि अगर आप चाहें तो ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि टेक मी ओनली 30 to 40 minutes टू कंप्लीट द जॉब. और क्योंकि बहुत छोटा जीए मिलता है तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होती है. नेक्स्ट डे से आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं. गायनेकोमेस्टिया के रिजल्ट्स परमानेंट हैं, ठीक है जी. ग्लैंड का रिमूवल परमानेंट है, ग्लैंड दोबारा नहीं आता. मगर आप मोटे होंगे तो क्योंकि फैट आपका बढ़ने की सलाहियत रखता है तो फैट बढ़ सकता है आपका, ठीक है. गायनेकोमेस्टिया में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि स्किन के नीचे फैट पड़ा हुआ है और ग्लैंड भी स्किन के नीचे है. हमें कोई वाइटल ऑर्गन की सर्जरी नहीं है कि जिसमें कोई वेस्ट हो, कोई चीज़ हो. इन्फेक्शन का रेट बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास से गायनेकोमेस्टिया के पेशेंट में. मेजॉरिटी ऑफ आवर कस्टमर आर वेरी सेटिस्फाइड. और गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है, काइंडली कॉल अस, बुक एन अपॉइंटमेंट. वी वुड लव टू एड्रेस योर कंसर्न्स एंड काइंडली कॉल अस. Thank you for listening. Take good care of yourself. Assalamu alaikum.